बहुत अच्छी एक पुस्तक लिखी है आचार्य बालकृष्ण जी ने, वो सभी सेवा केंद्रों पे मिलती है, वो खरीद लो, जड़ी बूटी रहस्य उस पुस्तक का नाम है। सब जानकारी उसमें दी गई है, हर छोटी बीमारी से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी। आपको सुनकर हैरानी होगी कि कई बड़ी बीमारियां इतनी बड़ी हैं कि एलोपैथी के डॉक्टर हाथ उठा देते हैं कि अब ये हम कर ही नहीं सकते। एक नाम लेके बताता हूं, किडनी फेलियर, दोनों किडनी एक साथ फेल कर जाती हैं, एलोपैथी के डॉक्टर हाथ उठा देते हैं। वो कहते हैं जी या तो किडनी ट्रांसप्लांट करो, नहीं तो मरने का इंतजार करो। डायलिसिस थोड़े दिन करते हैं, उसके बाद डायलिसिस की भी लिमिट टूट जाती है। अब जड़ी बूटी रहस्य में इसके लिए इतनी अक्सीर दवा है, जिसका मैंने हजारों मरीजों पर इस्तेमाल करके देखा। पीपल के पत्ते का रस, नीम के पत्ते का रस, सवेरे और शाम आधा आधा कप या चौथाई चौथाई कप किसी भी किडनी पेशेंट को पिला दो, 3 महीने में फिर वैसे ही भागने लगता है जो बीमारी के पहले था। अब ये बताओ पीपल कहां नहीं मिलता, और ये बताओ नीम कहां नहीं मिलता। अब पीपल और नीम के पत्ते के रस से इतना बड़ा चमत्कार हो जाता है, तो ऐसे एक दो नहीं लाखों चमत्कार हैं आयुर्वेद में, बस इसको जानने की जरूरत है। तो मेरा तो निवेदन है कि अपने योग शिक्षकों से पूछ पूछ कर जानना शुरू कर दो, नहीं तो पुस्तकें हैं उनको पढ़ पढ़ कर जानना शुरू कर दो, अपने जीवन में प्रयोग करो, दूसरों को बताओ। तो बीमार नहीं पड़ो तो चिकित्सा का 6.5 लाख करोड़ का खर्चा बचे।